हेलो गाइज, फिर से हाजिर हूँ एक नई शानदार बम्पर वैकेंसी के साथ, जिसमें डिप्लोमा बीटेक फ्रेशर बिल्कुल ही एलिजिबल है। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है। इसमें सैलरी आपको 25,000 प्लस मिलने वाला है। ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है HPCL की तरफ से, जी हाँ, HPCL ने फिर से एक नई वैकेंसी जारी कर दिया है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर चलते हैं। इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है अप्रेंटिस के लिए निकल के आई है, देख सकते हैं। इसमें आपको स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा खासा पे दिया जाएगा। इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा वालों के लिए निकला है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल सारा ब्रांच लगभग इसमें एलिजिबल है। पेटेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कमेंसमेंट डेट 1 फरवरी से चालू है और इसका अंतिम तिथि ऑनलाइन करने का 12 फरवरी रखा गया है। तो जल्दी से जो भी एलिजिबल है अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ट्रेनिंग पोजीशन ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देख सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, एज 18 से 25 साल रखा गया। रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल्स मिल जाएगा। इसमें आपके पास ओनली बीटेक या बीई होना चाहिए। फ्रेशर बिल्कुल ही एलिजिबल है। सैलरी आपको अच्छा खासा 25,000 पर मंथ दिया जाएगा। डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसमें भी देख सकते हैं ओनली आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, एज इसमें भी 18 से 25 साल रखा गया है। फ्रेशर बिल्कुल ही एलिजिबल है। 60% मार्क्स होना चाहिए और SC ST वालों के लिए 50%। इसमें आपको स्टाइपेंड 15,000 दिया जाएगा। तो अदर अप्रेंटिस से HPCL में अच्छा खासा स्टाइपेंड दिया जाता है। कई लोग सोचते हैं अप्रेंटिस करने का क्या फ़ायदा है, खास करके यदि आप HPCL में करते हैं तो बहुत बहुत आपको फर्दर जाके 10 लाख पर एनम का CTC मिल सकता है। इसमें आपको 1 साल का ड्यूरेशन रहेगा अप्रेंटिस के लिए। आपको पता है कि आप लाइफ टाइम में एक ही बार अप्रेंटिस कर सकते हैं, पास आउट होने के ओनली 3 साल के अंदर ही कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात, ओनली आपका इंटरव्यू लिया जाएगा जो कि फरवरी से मार्च तक इसका इंटरव्यू आ जाएगा। कोई भी अप्रेंटिस का वैकेंसी आता है तो आपको नेट्स पोर्टल पर जाके रजिस्टर करके वहीं से अप्लाई करना होता है। तो यदि अभी तक आप नेट्स पर रजिस्टर नहीं हुए तो कृपया कर लीजिए। और आपको कैसे फाइंड करना है, तो आपको नेट्स में जाना है और एस्टेब्लिशमेंट सर्च में जाना है। तो वहाँ पर आप इस नेम को सर्च कर सकते हैं एकदम एज इट इज, जैसे जैसे लिखा है एक भी टाइटल मिस नहीं करना, उसी प्रकार से आपको लिखना है। या आप इस कोड नंबर से भी देख सकते हैं, इससे भी सर्च कर सकते हैं तो आ जाएगा। और फर्दर आपको अप्लाई बटन आएगा और वहाँ पर से आप अप्लाई कर लीजिएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट, एडवर्टाइजमेंट लिंक और अप्लाई लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। इसका PDF मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। इसमें देखिए ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसमें एक मैंडेटरी चीज़ दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट्स लिविंग इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, मुंबई, मुंबई सिटी, यदि आप नागपुर, इन सभी जगह से आप बिलोंग करते हैं तभी इस वैकेंसी के लिए अप्लीकेबल हैं, अदरवाइज इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यदि आप इन सभी रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी है। आप नेट्स पर जाके अप्लाई कर दीजिए। ब्रांच या रीजन नहीं मैच करता है तो फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कमेंट में अपना ब्रांच मेंशन कर दीजिए, ताकि अगला वैकेंसी आपसे ही रिलेटेड मिले। टेक्निकल फील्ड का कोई सब वैकेंसी मैं मिस नहीं करता हूँ। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ।